दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पुराने डेटा ऑपरेटर या डेटा एडमिन को हटाकर किस तरीके से नए डेटा ऑपरेटर या नए डेटा एडमिन को बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या-क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने स्कूल की लॉगिन आईडी, जी हाँ, स्कूल की लॉगिन आईडी से मास्टर पर जाकर यूज़र और मैनेज पर जाकर क्लिक करना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैनेज पर क्लिक करने के बाद, जी हाँ, मास्टर्स, यूज़र और मैनेज, मैनेज के नीचे ऐड लिखा हुआ है, आपको मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक विंडो खुलकर आने वाली है। जी हाँ, इसमें आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जी हाँ, मैनेज एजेंसी यूज़र्स पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसके नीचे सर्च का ऑप्शन है, वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो भी यूजर्स हैं वो सब लिखे आ जाएंगे। सबसे नीचे आप देख रहे हैं डेटा ऑपरेटर है, उससे ऊपर डेटा एडमिन है। हमें डेटा ऑपरेटर को हटाना है, इसलिए हम यूज़र नेम जो कि सबसे नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जी हाँ, यूज़र नेम पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्रोफाइल दिखाई देती है। उसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन है डिसेबल का, उसको डिसेबल कर लेते हैं। जी हाँ, इसको डिसेबल करने के बाद ऊपर दिखाता है कि आप डिसेबल करना चाहते हैं। जी हाँ, रीज़न आप कुछ भी दे सकते हैं, तारीख जो आज की तारीख है हम वो देते हैं और सेव कर देते हैं। और ऊपर लिखा हुआ हमें दिखाई देता है कि यूज़र डिसेबल हो चुका है, आपको नीचे एनेबल का ऑप्शन दिख रहा है। अब फिर से हम मास्टर्स पर जाएंगे, यूज़र पर जाएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही यूज़र्स टाइप पर क्लिक करते हैं, हमें तीन ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें हमें डेटा ऑपरेटर को सिलेक्ट करना होगा। डेटा ऑपरेटर को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और अपनी लॉगिन आईडी भरनी होगी। जी हाँ, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप जानते हैं, जो भी हम भर सकते हैं। ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी भरनी होगी। फ़ोन नंबर में आप 0010 बार भर सकते हैं या फिर अन्य किसी भी नंबर को डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर में आपको जो एक्चुअल मोबाइल नंबर है जिस पर आपका ओटीपी आएगा वह डालना होगा, तथा लॉगिन आईडी में आप पिछली लॉगिन आईडी जो भी आपकी डेटा ऑपरेटर की थी उसको डाल सकते हैं। वो अपने आप करेक्शन करने के बाद अपने आप आईडी बनाकर दे देगा। जी हाँ, अब हम इसमें हमारे पास दो नंबर हैं, इसलिए हम एक नंबर मोबाइल नंबर में डालेंगे, एक नंबर फ़ोन नंबर में डालेंगे। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर में डालने के बाद हमारे पास सबसे नीचे लॉगिन आईडी का नंबर आता है। लॉगिन आईडी में आपको जो पुरानी वाली डेटा ऑपरेटर की आईडी है, कुछ भी आईडी थी, उसको आपने इसमें डाल देना है और आपके मेल पर पासवर्ड पहुंच जाएगा। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हम मोबाइल नंबर भर चुके हैं। इसके बाद लॉगिन आईडी का नंबर हमने वहाँ से कॉपी कर ली थी, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है और ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड जा चुका है। आप अपने पासवर्ड के लिए ईमेल आईडी पर जाकर दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या यह प्रक्रिया सफल हुई। तो फिर से हम मास्टर्स पर जाएंगे, यूज़र्स पर जाएंगे, मैनेज पर जाएंगे। जी हाँ, यूज़र मैनेज पर क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देता है, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हमें दिखाई देता है कि जी हाँ, हमें सबसे नीचे हमारा न्यू डेटा ऑपरेटर जिसके लास्ट में वन लिखा आ चुका है दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप अपने डेटा ऑपरेटर को बदल सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने डेटा एडमिन को भी बदल सकते हैं। धन्यवाद।